छिपा ले छिपा ले। कितनी देर छिपाएगी? देख नहीं रही है? पाल कमजोर हो रही है और बहुत ही जल्द पैरों से गिर जाएगी और फिर तू भी सबकी नजरों से गिर जाएगी। नहीं मुझे मुझे शेषनागन को नहीं महाशेषनाग को ढूंढना होगा। अब मुझे उसकी मदद लेनी ही होगी। क्यों भैया दीदी को घर लाने के लिए? दीदी आंखें खोलो ना। दीदी ठीक तो है ना? हाँ वो चलते चलते गई थी। दीदी कल बारिश में भीग गई थी ना, तो उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। वैसे तो प्रीति दीदी के पास उनकी फेवरेट येलो कलर की अम्ब्रेला होती है, पर कल उन्होंने वो अम्ब्रेला किसी और को दे दिया और खुद भीग गए। येलो अम्ब्रेला? इसका मतलब कल जिस लड़की ने मुझे अपना छाता दिया था वो प्रीति थी। वैसे थैंक यू उन्हें यहाँ लाने के लिए। दीदी का ध्यान रखना। ओके बाय बाय। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ हो, बाहर आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बहुत लालची है ये, इसको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। अरे हाँ, मैंने जंगल के रास्ते एक शॉर्टकट ले लिया है। जंगल से बाहर निकलते ही मुझे कैब मिल जाएगी और मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। I'll be there on time. तोहफा लेके आई हूँ तेरे लिए, अब तो आ जा। स्वागत है तुम्हारा धनशिका। तुम मेरे लिए तोहफे में खाना लाई। धनशिका खुश हुई। बोलो क्या मदद चाहिए? सूंघने की अपार शक्ति है तुम्हारे पास। गड़े मुर्दे तक भी तुम सूंघ के बाहर निकाल लेती हो। बस उसी शक्ति की जरूरत है मुझे। ये केचुली सूंघो और जिस नागिन की ये केचुली है उसे ढूंढ लाओ, चाहे तुझे सातों लोक भी ढूंढने पड़े। धरती, स्वर्ग, परीलोक, नरक, पाताल लोक या फिर नागलोक, वो जहां पे भी होगी जैसे भी होगी, जिंदा या मुर्दा, बस मुझे वो चाहिए।
मिल जाएगी। अब प्रार्थना तो कैसे बचेगी? प्रार्थना जमीन के अंदर तो नहीं मिली। पर उसकी केचुली की महक मुझे उस तक पहुंचा ही देगी। मैं यहां कैसे? कौन लाया मुझे? दीदी, गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। ये लो दीदी, गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। पर लड्डू, मैं यहाँ कैसे? मुझे कौन लाया? कल वो जो अंकल थे ना, जिनके साथ आपके ज्वेलरी स्टोर पे लड़ाई हुई थी, उन्हीं आपको कल रात यहाँ पे छोड़ा। मैं तो अहलावत के घर, वो लड़का वहां क्या कर रहा था और मुझे घर छोड़ने क्यों आया? प्रीति, कल तुम अलावत के घर गई थी ना, कुछ पता चला? कब तक रहने देंगे वो लोग हमको यहाँ पे? बात नहीं हो पाई उनसे, मिलना तक नहीं हुआ। एक्चुअली उनके घर कोई फंक्शन चल रहा था, इसीलिए मिल ही नहीं पाई। पर आज पक्का मिलूंगी, बात भी करूंगी। आज उनके घर नहीं, उनके ज्वेलरी स्टोर ही चली जाती हूँ तो उनसे बात हो पाएगी। अब तुम सब जाओ, नहा लो। समझ नहीं आ रहा है मैं अचानक बेहोश कैसे हो गई, और वो घर, वहां जाने से दिल इतना बेचैन क्यों हो गया? ज्वेलरी स्टोर में फ़ोन करके उस लड़के से बात करती हूँ, ओनर के बारे में पूछती हूँ, शायद वो मेरी कोई हेल्प कर दे ओनर से मिलने में। हेलो, हाँ सर, आपके स्टोर में काम करने वाले किसी वर्कर से बात करनी है। उनका नाम तो नहीं पता, पर वो दिखने में मैडम, कोई नाम बताइए। आप जिस तरह से हुलिया बता रही हैं, कैसे बात कराएंगे किसी से? वही तो मैंने कहा ना, नाम याद नहीं है। सॉरी मैडम, बिना नाम के बात नहीं करवा सकते। लगता है उस स्टोरी जाना पड़ेगा। प्रीति, दोपहर के 12 बजने वाले हैं। बच्चों ने सुबह से सिर्फ एक रोटी खाई है रोल करके। राशन का कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा ना, वरना आज तो खाना भी। अच्छा, मैं काम करता हूँ, मैं बाहर जाके जॉब ढूंढने की कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं, तू कुछ मत कर, मैं कुछ मैनेज करती हूँ ना। टीना, ये सब क्या है? ये खाना कहाँ से आया? वहां से। दीदी, कल रात आपको घर यही छोड़े थे। थैंक्स, और ये बच्चों के खाने के लिए भी थैंक्स। थैंक यू किस बात का? मुझे लगा सबको भूख लगी होगी। कल रात जिस तरह से तुम बेहोश हुई, अब उस पक्का शॉर्ट तुमने खाना नहीं खाया होगा, तो मैं ये सब ले आया। पर ये सब क्यों? और तुम यहाँ क्यों? तुम हो कौन? तुम उस ज्वेलरी स्टोर में काम करते हो ना, तो फिर ये सब
ये खाना इतना सारा, बहुत पैसे लग गए होंगे ना? नहीं, मैं वो स्टोर में। हाँ, तो स्टोर में सेल्समैन का काम करते हो ना? सैलरी कितनी है तुम्हारी? हाँ हाँ, वो मैं स्टोर में काम करता हूँ, पर ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ। वैसे भी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही तो है। थोड़ा नहीं, बहुत सारा है। बताओ कितना खर्चा हुआ? नहीं नहीं, थोड़ा सा ही हुआ, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा नहीं, कितना बताओ? 1000। 1000 रुपए? इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं तुम्हें देने के लिए। नहीं नहीं, डोंट वरी, ये सब फ्री है। फ्री? हाँ हाँ, वो वाउचर है ना, इसलिए फ्री था। वाउचर? एक्चुअली हम वो ज्वेलरी स्टोर पे काम करते हैं, तो हमें ना वाउचर्स मिलते हैं। 1000 रुपए का वाउचर था, इसलिए 1000 रुपए का खाना लिया। 1000 रुपए का वाउचर? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। कल उस ज्वेलरी स्टोर के ओनर से भी नहीं मिल पाई, आज इतना सारा खाना ले आया, इसके पैसे वापस कैसे करूंगी? ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, वो तुम्हें चाइनीज पसंद है? अरे ट्राई करो, बहुत टेस्टी है। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बच्चों के लिए ठीक है। अरे तुम्हारे लिए भी है, पराठा है ना तुम्हारे लिए, बहुत टेस्टी है, ट्राई करो प्लीज। वो मैं अजनबियों का खाना नहीं खाती, बच्चों के लिए ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। भैया आप क्यों खड़े हो? आप क्यों नहीं खा रहे हो? आप भी हमारे साथ खाओ ना। ठीक है। एक बाइट तो खा ही सकते हैं। हाँ। ये पक्का सब वाउचर से है ना? हाँ। पैसे तो नहीं लगे ना? सब फ्री है। अच्छा, वाउचर से है तो फिर तो ठीक ही है। खिड़की बंद कर सकते हैं क्या? क्यों? मदरपुर में ठंड काफी बढ़ गई है। ये दिल्ली की सर्दी है, दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूरी तो रहते हैं ना हम, मौसम ही ऐसा है। वक्त बहुत हो गया, मैं निकलता हूँ। हाँ, बाय बाय। बाय। प्यास लगी है, पानी चाहिए। ये नौगन तो मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ छुप कर बैठी है। मुझे घर वापस लाने के लिए थैंक यू। ऑफ कोर्स, मेंशन नॉट। मीठा तो है ही नहीं यहाँ। रघु भैया मीठा नहीं लाए क्या? हाँ, कल भी आऊंगा, बच्चों से मिलकर अच्छा लगा आज। हाँ, पर जब तक मैं वो वाउचर अपनी आंखों से नहीं देख लेती, मुझे विश्वास नहीं होगा कि ये सारा खाना तुम उस वाउचर से ले आए हो। तो अगली बार जब भी आओगे अपने साथ वो वाउचर जरूर ले आना। ओके, मैं निकलता हूँ। बाय बाय। बाय। Yeah, tell me. सर आप कहाँ हैं? हम सब मीटिंग के लिए आपका वेट कर रहे हैं। मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, मीटिंग स्टार्ट करूँ। ओके, ऑलराइट, बाय। खाना बहुत अच्छा खाना दीदी। और रघु भैया भी अच्छे हैं ना? ये
ये नौगिन तो मेरे ही आसपास थी, फिर मैं इसे सूंघ क्यों नहीं पाई? सही थी महक, कोई तो बात है इस लड़की में। थैंक यू सर। अच्छा सर ये वो आपका। थैंक यू बट पैसे की डील मेरे भाई करते हैं, मैंने तो आप उनके अकाउंट में डाल सकते हैं। कोई नहीं सर, ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं। थैंक यू। हाँ भाई वो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवा रहे हैं। थैंक यू सर। आपने कुछ खाया नहीं है, आपके लिए खाना मंगवाया है। टेबल पर लगवा दो। ओके सर। और कुछ लाऊं सर? आपके लिए रेस्टोरेंट हमेशा खुला रहता है, आप इतना बिजनेस लाके देते हैं हमें। नहीं कुछ नहीं सर, रोज इन बच्चों को खाना खिला दिया करो। जी सर। और मुझे 1000 रुपए का वाउचर लगेगा। सर वाउचर। जब तक मैं वो वाउचर अपनी आंखों से नहीं देख लेती मुझे विश्वास नहीं होगा कि ये सारा खाना तुम उस वाउचर से ले आए। अब उस ज्वेलरी स्टोर के ओनर से कैसे मिलो? हाँ वो लड़का है ना, वो तो उस ज्वेलरी स्टोर में ही काम करता है ना। उस लड़के का तो नाम पूछना ही भूल गई। उनका नाम है रघुवीर भैया। रघु उससे बोलती हूँ, ओनर से मिलने में मेरी हेल्प कर दे। बच्चों बहुत देर रात हो गई है, चलो जाके सो जाओ। बाय दी, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय दी, गुड नाइट। बाय दी, गुड नाइट। मिल गई प्रार्थना, मिल गई मुझे। मरी नहीं जिंदा है, महक को बताना पड़ेगा। ढूंढ लिया मैंने उसे, इसी शहर में रहती है 6 बच्चों के साथ। अच्छा फिर तुम उसे साथ में क्यों नहीं लेके आए? कहा था ना मैंने कि मुझे वो चाहिए जिंदा या मुर्दा, क्यों साथ में नहीं लेके आई? नहीं खाली हाथ गई तो महक को गुस्सा आ जाएगा, सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा, इसे अपने साथ ले जाना होगा। मैं लेके जाऊंगी। ये बच्चे भी ना अपने सारे खिलौने यहाँ छोड़ देते हैं, फिर बाद में कल पूछेंगे दीदी हमारी बैट कहाँ गई, हमारी बैडमिंटन कहाँ गई। बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? आप यही रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। ये लीजिए। मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी, मिल गई। आप क्या बात कर रही है, कौन है आप? बंद कर अपना ये नाटक, मैं जानती हूं तू कोई साधारण लड़की नहीं, नागिन है, नागिन, 9 मणियों की महाशेष नागिन। क्या बकवास कर रही हो तुम? दूर रहो मुझसे, चली जाओ यहां से। आ!
नागिन हूं मैं, नागिनों की नागिन, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, महासर्वश्रेष्ठ, महाशेष नागिन। इसे शायद अभी याद नहीं कि इसके अंदर अब भी मैं हूं, पर इस पर जब भी कोई वार करेगा तो मैं सामने आऊंगी, मेरी शक्तियां जागृत होंगी। शायद अपने इंसानी रूप में इसे अपनी पिछली यादें याद नहीं कि एक नागिन के अंदर उसने दुनिया बसाई है, शायद इसे याद नहीं, पर एक नागिन को याद है। क्या? हाँ, जब ये फिर से उठी थी तो अपने अतीत के बारे में सब कुछ भूल गई थी, पर उसके अंदर अब भी मैं हूँ, उसके अंदर अब भी एक नागिन है, ये तुम मत भूलना। शायद प्रार्थना अपने अंदर के शक्तियों को भूल गई हो, पर एक नागिन को अब भी याद है, वो नहीं भूली अपने दुश्मनों का नाश करना। मुझे अचानक ब्लैकआउट क्यों हो रहा है और मैं यहाँ कैसे? मैंने एक औरत देखी और फिर वो सांप, ये सब सच था या क्या सपना? दीदी के शरीर में ये नौ लाइट क्यों चमक रही है? गौतम भैया, बंटी, संजू भैया, जल्दी आओ इधर। गौतम भैया देखो, दीदी फिर से बेहोश हो गई। प्रीति, 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 एक मिनट, प्रीति को उठा के अंदर लेके चलते हैं। हटो, रघु। हाँ भाई। इस प्रॉपर्टी के पेपर्स पे तेरे सिग्नेचर्स चाहिए, हमें कुछ भी करके उस जगह को खाली करवाना है। उन लोगों को हमने नोटिस दिया लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया है, सो ठीक है। वैसे आपको पता है हमारा है कौन रहा अभी एंड जो हमारी जगह एग्जैक्टली है कहां? बदरपुर में कहीं है, आई एग्जैक्टली डोंट नो, मैं तुझे लोकेशन भेज दूंगा। ठीक है। रघु जी, किसकी पेंटिंग बना रहे हो? है कोई इसे देख के लगा कि उसकी पेंटिंग बनाऊं। कौन है ये लड़की जिसने मेरे भाई के पुराने पैशन को फिर से जिंदा कर दिया है? हाँ
रघु कौन है ये और तुमने ये पेंटिंग कंप्लीट क्यों नहीं की? आंखें बाकी हैं भाई, पता है भाभी इसकी आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें, मैंने लाइफ में इससे ज्यादा खूबसूरत आंखें देखी नहीं। अच्छा तुम कभी इसे मिले हो? नहीं सिर्फ ख्यालों में। महक सुनो ना, तुमसे एक जरूरी बात करनी है, बाहर आओ। हाँ मैं बस आई। हाँ रघु। हाँ सिग्नेचर्स। हाँ सिमा, ये तुम आधी रात मुझे कहाँ लेके जा रही हो? जंगल में मंगल करने आई हूँ। अरे जंगल में मैंने कुछ देखा है, दिखाने की तमन्ना थी इसलिए तुझे यहाँ लेकर आई। देख धनशिका। हाँ धनशिका, देख कैसी मरी पड़ी है। तू तो यही कह रही थी, ये जो धनशिका है बहुत शक्तिशाली है, प्रार्थना को यू यू ढूंढ निकालेगी। अब देख इसकी मौत ने इसे ढूंढ लिया। महक क्या हो गया तुझे, सदमा हो गया? नहीं सीमा, सच पता चल गया, इसे महाशेष नागे ने ही मारा है। तंशिका कोई साधारण नागिन नहीं है, वो एक जहरीली और बहुत शक्तिशाली नागिन थी। इसे कोई साधारण नाग नागिन नहीं मार सकते। लेकिन महक तुझे कैसे पता कि एक शेष नागिन ने इसे मौत दी है? सही कहा इसने, इस नागिन को एक दूसरे नागिन ने मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इन दोनों नागिनों को लड़ते हुए देखा है मैंने। ठीक लग रहा है? वैसे प्रीति तुम ऐसे अचानक से बेहोश कैसे हो गई? ऐसा क्या कर रही थी तुम? पता नहीं कुछ याद नहीं है, क्या हुआ था? दोनों को बहुत गुस्से से लड़ते हुए देखा था मैंने। अच्छा कि वो बहुत शक्तिशाली थी, सर्वशक्तिशाली थी वो। दीदी आप जब नीचे गिर रहे थे ना, तब मैंने आपके पेट पर डिस्को लाइट देखी थी। डिस्को लाइट? हाँ, और ये देखो आपके स्किन पर रैशेज भी आ गए थे। लेकिन अभी तो चले गए दीदी। दीदी मुझे भी वो डिस्को लाइट दो ना। इतने हिंदी टीवी सीरियल्स देखे कि ऐसा ही तो होगा, कुछ भी बोलती है। नहीं सच में मैंने देखा था दीदी, वो डिस्को लाइट मुझे भी चाहिए। कौन सी डिस्को लाइट? अरे यहाँ जो डिस्को लाइट लगाया था आपने। यहाँ डिस्को लाइट्स? मैंने जो देखा क्या वो सच में सच था या फिर मैं कुछ भूल रही हूँ? मुझे इतने बुरे सपने क्यों आते हैं और फिर ये सिर दर्द क्यों? हाँ दीदी यही से आ रही थी डिस्को लाइट, नौ नौ अलग कलर के डिस्को लाइट थी। आप छुपा रहे हो ना हमसे दीदी, प्लीज मुझे भी दो ना वो। देख जब तुझे वो डिस्को लाइट मिल जाएगी ना तो तू मुझे भी दे देना, ठीक है? अब रात हो गई है, तुम लोग जाके सो जाओ। चलो चलो चलो, बाय दी, गुड नाइट। अच्छा मुझे ये बताओ कहाँ से आई थी वो? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। मूर्ख है तू, क्या किया तूने? अरे यही तो एक था उस नागिन को देखने वाला जीता जागता सबूत, अरे उसे भी खत्म कर दिया। अब कहाँ ढूंढेंगे उसे, कैसे ढूंढेंगे? पता चल गया है कि महाशेष नागिन जिंदा है और वो कोई खेल खेल रही है। कोई बात नहीं, खेलने दो उसे, मैं भी तो देखूं कितनी देर तक वो ये खेल खेलेगी।
आज नहीं तो कल उसे मेरे सामने आना ही होगा। पता नहीं मेरे अतीत में क्या हुआ था, कुछ याद ही नहीं है। कल भी मैं उस ओनर के घर पे गिर गई थी, तब भी ये सर दर्द था। आज अपने घर के बाहर गिर गई तो फिर से वही सर दर्द। पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बस मुझे जल्द से जल्द अपना ये अतीत याद आ जाए। एक मिनट मैडम, एक मिनट। तू इतने दावे के साथ कैसे कह सकती है कि वो प्रार्थना ही थी? देख, अगर वो सच में नागिन होती तो सोच। तूने उसके पति को मार दिया, उसके बाप की तूने जान ले ली, लेकिन उसने एक बार भी तुझ पे वार नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं तो बोल रही हूँ अभी भी कुछ गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रार्थना ही नहीं? वो ही है, और तुम देखना। कैसे? मुझे पता है कि वो जिंदा है और वो किसी बिल में छिपी है, और उस बिल से उसे कैसे बाहर निकालना है मुझे अच्छी तरह से आता है। अच्छा, तो मुझे भी बता देना कि तू उसे बाहर कैसे निकालेगी, वो तेरे पास कैसे आएगी? फर्ज, उसका फर्ज ही उसे यहाँ लेके आएगा। देख, महाशेष नागिन का फर्ज होता है कि नाग लोग में सारे नाग और नागिन की रक्षा करे, तो उसे अपना फर्ज तो निभाना ही होगा। अरे महक, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अब वो सारे नाग और नागिनियों से बाहर लेके आएंगे। मैं इतना डर और इतना खौफ पिला दूंगी कि उसे मजबूरन ही मेरे सामने आना होगा। ऋषभ जी, मेरे अतीत को मेरे सामने लाइए। कुछ तो इशारा दीजिए, मुझे मेरे अतीत से मिल पाइए। हेलो, सुनसान रास्ते में लड़की का अकेला घूमना सही नहीं है। कहीं जाना है तो मैं छोड़ दूं? आपके घर में परिवार है ना? हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत बीवी है और दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अच्छा। और आपस में बहुत प्यार भी है। अगर इतना ही प्यार है तो सोचो, जब तुम मरोगे वो कितना रोएंगे और उन्हें कितना दर्द होगा ना? ये आप क्या बोल रही है? वही जो तूने सुना। जब मैं लोगों को दर्द देती हूँ तो मुझे सुकून आता है, और लोगों की मौत पे मुझे जिंदगी। नाग वंश के दुश्मनों, सारे नाग नागिन सामने आओ और मेरा साथ दो। इस नागवंश को बदनाम करो और बर्बाद कर दो। जाओ और जाओ, इस पूरे शहर में तबाही मचा दो, हर जगह मौतम फैला दो। एक भी घर नहीं बचना चाहिए। बच्चों से उनके पाप छीनो, बीवी से उनके सुहाग, और बूढ़े माँ बाप से उनका सहारा। कुछ नहीं बचना चाहिए। सर्वनाश कर दो सब कुछ। जाओ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त एक दिल दहला देने वाली खबर छाई है हर तरफ। सारे सांप बेकाबू हो गए हैं और मासूम लोगों की जान ले रहे हैं। शहर में आतंक का खौफ फैला हुआ है। अब यही आतंक का खौफ उस महाशेष नागिन को मेरे सामने लेके आएगा। सड़कों पे लोगों की लाशें मिल रही हैं। लोगों का मानना है कि कोई जहरीला दुष्ट सांप मासूम बच्चों और लोगों पे वार कर रहा है, उनकी जान ले रहा है। सांप? पता नहीं जहरीले सांप का खौफ और कितना बढ़ेगा और कब रुकेगा। ये तुम सब लोग क्या देख रहे हो? टीवी बंद करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ये क्या सांप सांप लगा रखा है?
ये लोग तो कह रहे कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगाने वाले, साथ की वजह से लोगों का आना जाना भी बंद करने वाले हैं। बच्चा पार्टी, ये देखो नाश्ता लाया हूं। तुमने ये सब क्यों लाया है? मैं हूं ना, मैं मैनेज कर लूंगी। यस मैडम, मुझे पता है आप सब कर सकती हैं। मेरे पास वाउचर था तो मैं ले आया। वाउचर? पर तुम्हें तो कल ही एक वाउचर मिला था ना, आज फिर से एक वाउचर मिल गया? वो हाँ, वो आज ऑनलाइन मैंने लाखों का हार बेचा तो वाउचर मिला मुझे। क्या? हाँ हाँ, एक बहुत बड़ा डायमंड बेचा मैंने, लोग बहुत खुश हुए। वो खुश हो गए और तुम्हें 1000 रुपए दे दिए? हाँ, ये देखो, तुम्हें यकीन नहीं होता ना, मैं ये वाउचर लाया ताकि तुम्हें यकीन हो जाएगा। 1000 रुपए का वाउचर दिया, 2 लाख का डायमंड बेचने का। मुझे वाउचर मिला, मैंने सोचा बच्चे खाना खा लेंगे। पर तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं खरीदना? खरीदना है ना। क्या? वो यहाँ नहीं मिलता। पर क्या? मलमल का मफलर। तुम ये सब छोड़ो, तुम ये लो, ये खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं ठीक हूँ। एक तो तुम्हारा काम इतना अच्छा चल रहा है और ये वाउचर पे वाउचर मिले जा रहे हैं, और एक मैं हूँ जिसके पास एक ढंग की जॉब भी नहीं है। मुझे एक जगह पता है जहाँ तुम जॉब कर सकती हो। मुझे नहीं जानना उस जगह के बारे में। ठीक है, बच्चों पराठे कैसे खाने? ये लो, ये लो, ये लो, खोलो 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 खोलो। वाउचर से मिला है, खा सकती हो। उस पैकेट में क्या है? वैसे मेरे पास असाइनमेंट है। क्या काम करना होगा? ब्राइडल कलेक्शन। 2 मॉडल्स भाग गए उनके, तो मैं ज्वेलरी पहन के सिर्फ बैठना और कुछ नहीं करना। मुझे मॉडलिंग मॉडलिंग नहीं आती। अरे बहुत पैसे मिलेंगे, दिन का 5000 मिलेगा। हाँ? ओ हेलो, 5000 नहीं, 6000 लेंगे। ए, इतने सस्ते में कैसे मान रहा है? फिर हम कितने का लेंगे? अरे 6500 में लॉक करो। नहीं नहीं, 7000। हाँ 7000। हाँ 6000 में कर सकते हैं। पर अगर 6000 में वो लोग माने नहीं तो हम 4000 में करने के लिए भी तैयार हैं। ठीक। मतलब वहाँ खाना वाना सब फ्री मिलेगा? हाँ हाँ, ये वाउचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस, चलो चलो चलो। नहीं नहीं, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम लोग यहीं बैठो, न्यूज़ नहीं देखी बाहर कितना खौफ फैला हुआ है? बच्चे कार में आ जाएंगे और हम साइकिल पे चलते हैं।